अरे ये क्या? हीरो? हीरो? अभी मालिक को मैं बताता हूँ। मजने हीरा दे दिया, अभी इसे वॉश करता हूँ। इससे पहले के मालिक आ जाए इधर से निकलता हूँ। ये नौकर हीरा लेके भागने के चक्कर में है। इससे पहले ये भागे मैं मालिक को साथ लेकर आता हूँ। मालिक साहब जल्दी उठ जाओ वरना आपका नौकर हीरा लेके भाग जाएगा। हीरा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? मालिक जी मैं सच बोल रहा हूँ, आपकी मज के गोबर में से हीरा निकला है। गोबर में से हीरा? बेटा मज कब से हीरे देने लग गई है? मेरी बात का यकीन करो, एक बार मेरे साथ चलो तो सही। चलो फिर बेटा, चलता हूँ मैं तुम्हारे साथ। अभी मठे मठे पैरों के साथ बाजार जाता हूँ और इस हीरे को अच्छे दामों में बेचता हूँ। अरे रुक जा, बगैर पूछे कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं, बस बाजार जा रहा हूँ कुछ खाने पीने। अच्छा तेरा खाना मैं इधर ही मंगवा देता हूँ, जो गोबर में से हीरा निकला वो तो निकाल। क्या हो गया मालिक जी आपको, अभी गोबर में से भी हीरा निकला? अरे ये क्या बोल रहा है, तू झूठ मार रहा मेरे साथ? ये तो बोल रहा कोई हीरा नहीं है मेरे पास। मालिक जी इसने ऐसे नहीं मारना, इसकी तलाशी लो। चल दे तलाशी। मैं क्यों दूं तलाशी? हाथ ऊपर करता है या नहीं? मुझे दे अपनी तलाशी। ये क्या निकला है? इस हीरे पे मेरा हक है क्योंकि ये मुझे मिला इधर से। ये हीरा तेरा कैसे हो गया? ये हवेली मेरी, मज मेरी, तो हीरा नौकर का। यहाँ के किसी बड़े आदमी को बुलाओ, उससे फैसला करवाते हैं कि ये हीरा किसका है। अच्छा तो फिर मैं मुंशी को कॉल करता हूँ, उसको मैं बुलाता हूँ। मुंशी आ रहा है, चलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या मसला बने? हीरा इधर दो और पूरा मसला बताओ मुझे। मुंशी साहब मुझे गोबर में से हीरा मिला, बताओ मेरा हुआ या इनका? फैसला मैं बाद में करूंगा, पहले पूरी बात बताओ मुझे। मुंशी साहब ये हवेली मेरी, मज मेरी, मज से निकला गोबर मेरा, और हीरा इसका कैसे हो सकता है? हीरा तो बड़ा कीमती है, ये दोनों बेवकूफ है, अभी इनका हल करता हूँ। बात तो दोनों की ठीक है, ये बताओ इस इलाके का मुंशी कौन है? आप ही तो हैं। तो इस हिसाब से इलाका भी मेरा और हीरा भी मेरा, दफा जो यहाँ से। बड़े आए थे इंसाफ कराने, पाकिस्तान में इंसाफ कैसे होता है? ऐसे होता है इंसाफ।